हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है, आज है घर पे सत्संग होली का। तो बेसिकली सत्संग में ऐसा होता है कि जैसे कि हम पहाड़ी हैं मतलब, तो यहाँ पर अलग अलग लोग आते हैं घर में, सत्संग करते हैं, होली के गाने गाए जाते हैं। तो वही देखेंगे क्या होता है, मैं जो तो फर्स्ट टाइम है, आप कुछ लोग आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो आपको मेरे पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे। एक्चुअली मैं पहाड़ के पास हूँ, पहाड़ों में नहीं हूँ, पहाड़ों में आपने एक बार भी नहीं देखा मेरे को। अभी देखने का भी प्लान बने, आप जाएंगे नानी के घर, आप पीछे पहाड़ देखो मेरे। तो गाइस, बेसिकली मैं अभी हूँ गांव में। तो गांव में तो आप तो ये क्या होता जाता है, गायें भैंस ही होते जाता, वही देखते हैं थोड़ी देर। और परसों होली भी है, परसों है कल है, पर मंडे को होली है आज। मतलब हमारे यहाँ होली बेसिकली ना 10 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हमने थोड़ी होली खेल भी ली, मज़ा आया वैसे खेलने में। यही देते हैं जब जो लोग आते हैं, यही लोगों को दिया जाता है, ऐसी ऐसे ट्रीट यही मिलता है दीदी अगर। दीदी का हो रहा है यहाँ पे पेपर, बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ के बताऊँगा भाई। पापा ने बोला आप आगे पेपर कर लिया, और यहाँ नेट ही नहीं चल रहा है, गेम के लिए नेट चल रहा है हमारा, मज़ा आ गया। तो अभी देखते हैं कितने बजे से खेलेंगे आज, लेट्स सी। तो गाइस, मैंने कुछ जो भी बताया होली के बारे में वो सारा एकदम गलत था, सही आपको मम्मी बताएगी अभी। बताओ मम्मी, इतना डिटेल में मुझे भी पता नहीं है, हल्का से बता दो। हाँ, मैंने सुना है। बताओ कि जो प्रहलाद था उसकी जो बुआ थी वो होलिका थी, उनको आशीर्वाद मिला था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती है। प्रहलाद विष्णु भक्त था इसलिए वो उसको देख के चिढ़ती थी। तो जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्याकश्यप, उन्होंने बोला कि तू इसको लेकर के अग्नि में बैठ जा। लेकिन उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि विष्णु भक्त का, विष्णु भगवान का जाप कर रहा था, तो उसमें होलिका दहन हो गई, होलिका का और प्रहलाद जो थे वो उनको कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन से होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। तो भाई समझा आपने क्या हुआ, इसलिए अपने फैमिली को बताओ, जिसको नहीं बताओ उसको बताओ। थैंक यू। ने अपनी मम्मी से सुना कि होली क्यों मनाई जाती है, होली एक सही यार रुक जाओ। जैसे आपको मम्मी ने भी बताया कि होली क्यों मनाई जाती है, तो उसी के बेसिस पे अब यहाँ पे होली का जो प्रोग्राम होता है पहाड़ों में वो स्टार्ट होने वाला है। छोटी मोटी क्लिप्स दिखाऊंगा मैं आपको, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि 1-2 घंटे चलता है वो। वैसे मज़ा तो आ रहा है हल्का हल्का व्लॉग बनाने में, होली में देखते हैं क्या होगा। अवस्था ही होगा कुछ, तो ये देखो क्या हो रहा है, कैसे मनाया जाता है होली का। यहाँ पे एक्टिंग करी जाती है लोगों की, पंडित हो गया, डॉक्टर हो गया सबकी। तो अभी आप देखो पंडित की एक्टिंग। तो ऐसे आपने देखा पंडित जी की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, मज़ा आया। आपने देखेंगे छोटे छोटे शॉर्ट्स। तो गाइस, अब तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, यही होना था आज के दिन। हमने अभी सामान लेने जाना है होली का, परसों होली का छुट्टी है इसलिए, क्योंकि घर होली का ध्यान होता है तो सारी दुकानें बंद होती हैं यहाँ। तो कल है होली, तो आज लाना पड़ेगा सारा सामान।
तो मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड. सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच वॉचिंग. हाँ एक बात, होली के दिन पता नहीं ब्लॉग आएगा नहीं आएगा. थैंक यू सो मच वॉचिंग. हे गाइस वेलकम टू माई न्यू व्लॉग. तो आज का सीन ऐसा है, आज हम आए थे खेत में ज़रा घास वास काट लिया जाए गाय भैंसों के लिए. पापा और मम्मी ने घास काटी, मैं लेके जा रहा था घर. मैं गया हूँ घर, यार दूर है मतलब यहाँ से खेत से घर दूर ही है, मतलब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है. तो मैं और गए थे, हम साथ में गए थे, मैं छोटा भाई दीदी गए थे घास पचाने. तो हम एक कितने बजे आए थे, हम 1.5 घंटा हो गया हमको. ऐसे अभी देखो पापा इकट्ठा करें घास को, ये घास का बंडल है, ये बंदे का, अभी मैं इसको लेके जाएगा स्कूटी में. चलो चलते हैं, अभी शायद दीदी चलाएगी स्कूटी या पापा बांध रहे हैं. अब मज़ा आया इतने दिनों बाद काम करके. आप भी आया करो भाई, अपने गाँव में बड़ा अच्छा लगता है. पीछे पूरी पीछे जाओ, पीछे गाड़ भाई गाड़ी. अबे आगे आगे रखेंगे इसको. और क्या हाल चाल मनपुर वालों, ठीक हो? ऐसा चलाई नहीं जाएगी. मैं भी क्या बोल रहा हूँ फिर, ऐसा तो चलाई नहीं जाएगी.